एबीपीएस न्यूज सच का साथी। राजधानी में बदमाशों का आतंक बदस्तूर जारी है। ताजा मामला मड़िया गांव थाना क्षेत्र का है, जहां जमीनी विवाद में बदमाशों का कहर एक 10 साल की मासूम बच्चे पर टूट पड़ा। जमीनी रंजिश के चलते पहले तो बदमाशों की धर्मेंद्र यादव के साथ कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने धर्मेंद्र यादव पर गोली चला दी। गोली धर्मेंद्र को ना लगकर चचेरी बहन नीतू के गर्दन पर लग गई। गोली चलने से वह घायल हो गई, जिसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरी वारदात के बाद मड़िया गांव पुलिस ने दबिश देकर गोली चलाने आमोद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जबकि घटना में शामिल प्रमोद नाम का दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। ये क्या घटना हुई, ये गोली किसके लगी है, क्या पूरा मामला है? मुबारकपुर गांव में एक नीतू लड़की है, कक्षा 3 की छात्रा है। उसके भाई धर्मेंद्र वहीं पे काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि दो लोग आए बाहर से और गोली चलाई। उनसे घटनाक्रम के विषय में पूछा गया तो कहे हमारा जमीनी रंजिश पलराई गांव में रहने वाले अमर प्रमोद से चलता है। उसमें अमर प्रमोद ने हमारे ऊपर गोली चलाई, जो रिकोचिट होकर गोली इस लड़की के ऊपर लग गई। फिलहाल उसको तत्काल चिकित्सा मुहैया कराया गया, ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया। अभी उसे डॉक्टर खतरे के बाहर बता रहे हैं कि उसका सघन इलाज चल रहा है। साथ में पुलिस ने तत्काल मौके पर जा करके घटनाक्रम को समझा और दबिश दी, जिसमें आमोद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही घटनाक्रम के विषय में और सारे साथ जुटाए जा रहे हैं और फिलहाल लेकर भी जिसको ये बताया ना वो गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।